सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइज आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आज का ब्लॉग मैं अपना जन्माष्टमी के दिन से फिर से शुरुआत कर रही हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद। तो जन्माष्टमी का जैसे पता ही आपको सबसे मतलब हम लोग का और सबका मतलब बहुत ही पावन पर्व है, तो मैंने सोचा क्यों ना इतने दिन के बाद शुरू करें तो एक अच्छे दिन से शुरू किया जाए अष्टमी। और मैं आ गई हूँ अपने घर पर, मम्मी के घर पर। अभी हम गाड़ी में ही हैं, अभी मैं आई, भाई थोड़ा सामान लेने गए, भाई और मम्मी भी आए हैं मुझे लेने के लिए, तो वो लोग गए हैं पूजा का सामान लेने के लिए। और आज हमारा आर्निक बनेगा कृष्णा। नानी क्या बनोगे आप? कीन्ना बनेगा, कीन्ना तो कृष्णा बनेगा। और उसके कपड़े उपड़े भी अभी लेने हैं, तो मम्मी बस उसी सब की तैयारी में लगे हैं, अपने पूजा का सामान मम्मी ले रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो दूर में है, इधर दुकान में है मम्मी और भाई, और मैं इधर गाड़ी में बैठी हूँ। एसी का हॉल है, मैं बाहर नहीं निकली क्योंकि भाई गर्मी बहुत लग रही है, इसके लिए मैं बाहर निकली ही नहीं। और आज हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा कृष्णा जन्माष्टमी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ पूरा व्लॉग शेयर किया जाए। तो आई होप आप लोग वीडियो को प्यार देंगे। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है, बस लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कर दिया करो, ताकि और भी लोग हमारे चैनल तक पहुँच पाए, उनको भी पता चल सके, मे भी हो सकता है हमारे वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिल सके। सो प्लीज़ बस आपको इतना ही करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं कर रही थी कलश का प्रिपरेशन, जिसमें मम्मी माखन रखने वाली थी, तो मम्मी सादा कलश लेके आई थी छोटा सा, तो मम्मी ने बोला इसको कलर कर दो, मैं ठीक है। तो मैं जो बच्चों का पेंट होता है स्कूल का कलर, तो उससे ही मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने कर दिया था ब्लू कलर का, डार्क ब्लू बैगनी कलर में। इसके बाद थोड़े डॉट डॉट बना दिए साइड में रेड कलर से, छोटे छोटे डॉट। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया। तो आप लोग को मेरा कलश कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। और इस बार का जो सेलिब्रेशन है बहुत मतलब ख़ास, बहुत एकदम जैसा पिछली बार था वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, क्योंकि मतलब हम नॉर्मल तरीके से ही कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न है, बताऊंगी कभी आप लोग को, जिस वजह से हम एकदम धूमधाम से नहीं मनाए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे लेने के लिए सामान, तो देखो भाई ले लिया, और यहाँ पे हम सब डेकोरेशन का सामान ले लिए थे। और इसके बाद हमको रेडी करना था 56 भोग की थाल, तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें निकाल रही थी, और सेम जगह पे सेम ही थाली, सेम हर एक चीज़ ऐसे ही था जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन किया था। तो यहाँ पे 56 भोग में सिर्फ मिठाई मिठाई था, मिठाई था, नमकीन था, चॉकलेट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी थाल रेडी हो चुकी है, कैसी लगी आप लोग को प्लीज़ बताना ज़रूर। और आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हो जन्माष्टमी वो भी बताना। और हाँ, एक चीज़ जन्माष्टमी भी हुआ, कुछ लोग 7 तारीख को मनाए जन्माष्टमी, कुछ लोग 8 तारीख को मनाए, तो बट हम लोग जो है 6 तारीख को कुछ लोग 6 को मनाए, कुछ लोग 7 को मनाए, तो हम जो है 6 को मनाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बलून से कुछ डेकोरेट कर रहे थे, मैं बोले भाई जब अपने बर्थडे में लोग बलून सजाते हैं तो मैं क्यों कान्हा के बर्थडे में भी बलून लगा दें अच्छे से। तो हमने थोड़ा बहुत बलून लगा दिया, इधर भाई लाइटिंग वाइटिंग लगा रहा था। एक्चुअली हमारा प्लान कुछ और भी लेने का था बट मिला नहीं जैसा हम सोच रहे थे, तो हमने ऐसे ही सिंपल तरीके से कर दिया। और टाइम भी ज़्यादा नहीं था यार, बच्चे भी हैं और घर में भी और सब काम था, भाभी तो खाना वाना बनाने में लगी थी। हो चुकी हूँ मैं रेडी, और तो जबकि सारी तैयारी हो चुकी है, आपने देखा ही सब लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, इस बार बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया जा रहा है। और अब यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, और हमारे यहाँ जो अभिषेक होता है वो पंडित जी से ही कराया जाता है, तो मम्मी पंडित जी से अभिषेक करवा रही थी, तो मम्मी पापा पूजा में बैठ रहे थे, तो पंडित जी हर एक चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से कर दिए थे। और लास्ट में सुंदरकांड भी हो गया था थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
राम मैंने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम ने गोकुल में देखा, गोकुल में देखा। तो यहाँ पे आर्निक कई बार अपना ड्रेस चेंज कर चुका था कृष्णा का, और लास्ट में अब इसको जिद पे आ गया था कि मुझे पहनना ही नहीं है, तो अपने टी शर्ट पे आ गया। अब आने को चॉकलेट मिलेगा। तो बस यहाँ पे कृष्ण जन्म होने का टाइम हो चुका था, क्योंकि 12 बजने वाले थे, उसके पहले सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती है, और जो लड्डू गोपाल का जन्म होता है वो अंधेरे में बिल्कुल होता है, मतलब एकदम घटघोर, क्या घनघोर घटा छाई हुई थी उस टाइम जब लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। तो बस अंधेरा हो चुका था, और अब मम्मी का जो भी कार्यक्रम था यहाँ पर कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय भी हम किए, और शांति से हो गया, मतलब अपनी फैमिली थी तो अच्छे से कर लिए। और ये देखो लास्ट में आर्निक फिर से कृष्णा बन गया था, और यहाँ पे वो शिवम भैया थे उनके पास जाके बैठा था, और ये बंदा जाके लास्ट में 2 बजे सोया, हम लोग तो 4:30 बज गए। माता देई दे तिउ मा चर पारी लगे दवासी आई रे दवासी आई माता देई दे तिउ मा चर पारी Thank you.
मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और अब यहाँ पे लगने जा रहा था भोग, तो मतलब भोग तो पहले से ही रख चुके थे, बट ढक के रखा गया था, तब तक नहीं लगा था। जब कान्हा जी का जन्म हो गया उसके बाद पंडित जी ने भोग को खुलवाया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था ना 56 भोग, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है देख के, बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ुद भी मज़ा आता है कि मैं अलग अलग तरीके के हम ट्राई करेंगे खाएँगे। तो बस यहाँ पे भोग लगने जा रहा था, तो आप देख सकते हैं क्या क्या था खाने में, क्या क्या चीज़ बना था। जहाँ तक हो चुका था भाभी ने हर एक चीज़ ट्राई किया था, और सब चीज़ अकेले बनाई थी, बहुत मेहनत की। और हाँ प्लीज़ आप लोग बताना आप लोग को हमारा डेकोरेशन कैसा लगा, और जो 56 भोग लगे थे, जो खाने की चीज़ें लगी थी, कैसी लगी आप लोग को प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बज रहे हैं, बजने वाले हैं 2 बजने में 5 बाकी। तो अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब हम जा रहे हैं सोने, तो तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ।